बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी कानून साजी का बुनियादी उसूल, सुन्ना, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हम इस्लामिक जो लॉ है उसके सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने प्राइमरी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, दैट इज़ कुरान पाक, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक और प्राइमरी सोर्स है, बुनियादी जो उसूल फ्राहम करता है कानून साजी के लिए, वो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसका सबसे पहले इसका सुन्नत का इंट्रोडक्शन क्या है। लिटरल मीनिंग्स में देखें तो सुन्नत जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है तरीका, पाथवे जिसको फॉलो किया जाए। और इस्तलाह में हर उस काम को, हर उस बात को, हर उस अंदाज को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है उसको हम सुन्नत कहते हैं। जैसे कि हम सुन्नत को नॉर्मली तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ सुन्नत हम कह सकते हैं, सुन्नते कौलिया, सुन्नते फेलिया एंड सुन्नते तकरीरिया। वो बातचीत या वो गुफ्तगू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उसको, वो सुन्नत का हिस्सा है। वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो सुन्नत का हिस्सा है। वो काम या वो बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो नहीं की, किसी और ने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को देखा और उस पर या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीद फरमाई या खामोशी इख्तियार फरमाई, तो उसको सुन्नत तकरीरिया कहते हैं। सो सिंपली हम ये कहते हैं कि जो कुरान पाक है वो कलामुल्लाह है, अल्लाह ताला की बात है जो उसने अपने बंदों से की है, और जो हदीस है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने की। और हदीस बेसिकली इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सुन्ना। हदीस सुन्नत के एक पोर्शन को हम कहते हैं, और ओवरऑल जो सुन्नत है वो क्या है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओवरऑल कंडक्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो है तजरीबा है, उसका जो पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातचीत करना, उठना बैठना, बोलना, चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफाल, और वो अफाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई या उनकी तायीद फरमाई, ये सारी की सारी कलेक्टिवली सुन्नत कहलाती है। होपफुली You got it. बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है कि जब कुरान पाक एक बुनियादी सोर्स है हमारे पास अहकामात का, तालीमात का, तो फिर सुन्नत की या हदीस की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह ताला की जो इसमें हिकमत हमें नज़र आती है वो ये है कि कुरान पाक हमें एक अहकामात का मजमूआ के तौर पे नज़र आता है, एक मुसहफ है हमारे पास, एक लिखी हुई चीज़ है, हम उसको पढ़ते हैं, उस पर गौर व फौज करते हैं, तदब्बर करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके अहकामात को मनोमन किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू पता चलता है। इसलिए कि जो ऐसे मामलात, ऐसे केसेस जब सामने आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में कि उनके बारे में फिर कुरान पाक के जो अहकामात थे उनको लागू किया गया, तो समझ में आया कि इस हुक्म को किस तरह से अप्लाई करना है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है उसमें बेहतरीन नमूना मौजूद है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने बेशुमार जगहों पे हुक्म फरमाया है कि अतात करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। बेशुमार आयात का मफहूम ये है कि अगर जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी है बेसिकली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी है, और जो जो अल्लाह ताला की नाफरमानी है वो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। सो अल्लाह ताला के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये लाजम व मलजूम है, ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। एक चीज़ हमें थोरेटिकल अगर फॉर्म में मिलती है तो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मिलती है। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक साहब उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्लाक कैसा था, तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने फरमाया पढ़ा है।
फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान ही तो था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो कुरान पाक की अमली तफसीर है। कुरान पाक के अहकामात को हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हमारे सामने सुन्नत मौजूद ना हो, सुन्नत से बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद ना हों। सो इसके अलावा कुरान पाक में और भी बेशुमार जो मेरे तरह इरशाद फरमाए, जैसे कि सूरत निसा में आता है, उलमा कहते हैं कि कुरान पाक की सबसे बड़ी कसम है जो अल्लाह तआला ने खाई, फला व रब्बिक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपके रब की कसम, जब तक ये लोग आपको अपने आपस के झगड़ों में सालिस नहीं मान लेते तब तक अल्लाह इनको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। इसी तरह से सूरह अहज़ाब में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह उसका रसूल कोई बात किसी बात का फैसला कर दें तो फिर मोमिन मर्द और औरत को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो उसमें फिर अपनी मर्जी करें या किसी तरह की भी अपने दिल में तंगी महसूस करें। सो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है किसी भी मामले में, उसका वही स्टेटस है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कोई हुक्म फरमाया हो तो उसका स्टेटस है। होपफुली गॉट इट। उसके बाद आता है कंपाइलेशन ऑफ हदीस एंड सुन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद, चंद कुछ सालों बाद हदीस को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो लोग जो जिन्होंने हदीस को डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी सहाबा कराम, और फिर उन्होंने आगे बयान किया, इस तरह से ये एक सिलसिला है पूरा जिसके थ्रू हदीस को जमा किया गया, कंपाइल किया गया। और वो शख्स जो हदीस को बयान करता है उसको रावी कहते हैं, या नरेटर उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। उसके लिए उलमा ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो मुसलमान होना चाहिए और ट्रुथफुल हो, सच बोलने वाला हो, मुत्तकी हो, और उसके कॉल ऑफ फेल में तजाद ना हो। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास बेशुमार हदीस तो हों जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई हों, या और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा बातें उसके पास मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद उसकी शख्सियत में उन बातों का अमल और वो असर नज़र ना आता हो, तो ऐसे शख्स से फिर हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। सो जैसे कि एक बहुत मशहूर किस्सा है इमाम बुखारी के बारे में, जिन्होंने सही बुखारी को कंपाइल किया था, उनके बारे में है कि उन्होंने बहुत महीनों का सफ़र किया, उनको पता चला कि किसी शख्स के पास कोई हदीस है, तो वो उसको लेने के लिए बहुत लंबा सफ़र करके वहाँ पे पहुँचे। तो अभी जब लोगों से उन्होंने पूछा उस शख्स के बारे में, लोगों ने बताया कि वो फलां जगह पर मौजूद है, तो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वो अपनी सवारी जानवर या घोड़ा या ऊँट था, तो उसके सामने उसने ऐसे कपड़ा फैलाया हुआ था और वो उसको ये शो कर रहा था कि वो उसको कुछ खिलाने के लिए उसको अपनी तरफ बुला रहा है, हालांकि उसको पकड़ना चाह रहा था, उसके पास कुछ था नहीं। तो वो उन्होंने जब ये देखा तो वो वापस लौट आए, क्योंकि और उन्होंने ये कहा कि जो शख्स जानवर के साथ झूठ बोल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी सच, बिल्कुल 100% सच के तौर पे लोगों के सामने बयान करे। सो वो वापस लौट गए। सो जो नरेटर है उसकी जो शख्सियत है उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हदीस को बयान करने के बाद उस पर यकीन करना है या नहीं करना इस बात के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आती हैं कैटेगरीज ऑफ नरेटर्स, वो लोग जिन्होंने हदीस को बयान किया। उनमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है सहाबा कराम की, इसलिए कि उन्होंने द मोस्ट अथेंटिक पीपल, इसलिए कि उन्होंने डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो गुफ्तगू सुनी, या जो बातें सुनी, जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते हुए देखे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई या खुद उन कामों को किया, तो उनकी जो नरेशन है, जो रवायात सहाबा से रिलेटेड हैं, वो सबसे ज़्यादा अथेंटिक हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नरेटर्स इज कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सेकंड कैटेगरी है, इनको सक्का सबतून भी कहते हैं, सब्त की जमा सबतून है। ये वो लोग हैं जो सहाबा कराम के बाद में आने वाले हैं, इनको आप ताबईन भी कहते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है उसको हम सक्का कहते हैं, और ये वो लोग हैं जो सुपीरियरिटी में फर्स्ट टू कैटेगरीज के बाद आते हैं, यानी इनका स्टेटस इन दो के बाद है, आप इनको तबाए ताबईन भी कह सकते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरीज सिद्दूक, ये सिद्दीक की जमा है,
बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले लोग, जिनके बारे में लोगों को ये खदशा ना हो कि ये कोई अपने से बात घड़ कर ले आएंगे और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर देंगे, जिनके बारे में ऐसा कोई खदशा ना हो। उसके बाद आते हैं सिद्दूक सईल हिफ्स, वो लोग जो सच बोलते हैं लेकिन उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अनकॉन्शियसली उनके बारे में ये खदशा हो सकता है कि वो कोई गलत बयानी न कर दें अपनी मेमोरी वीक होने की वजह से। ज़रूरी नहीं कि वो कोई उसमें उनकी अपनी कोई गलत इंटेंशन हो, लेकिन अपनी वीक मेमोरी की वजह से वो उनसे कुछ गलती का इर्तिकाब हो सकता है। देन मकबूल, जो एक्सेप्टेड हैं, जिनको आमतौर पर लोग उनको अच्छा समझते हूँ और उनके बारे में अच्छी राय रखते हूँ। मजूल, अननोन नरेटर, जिसके बारे में किसी को कोई पता ना हो कि ये कौन है जिसने इस हदीस को रिवायत किया है। एंड द लास्ट वन इज फस्क, वो लोग जिनके बारे में आपको खदशा हो कि वो झूठ भी बोल सकते हैं, खुद से भी बात घड़ सकते हैं और उनकी जो शख्सियत है उसमें वो कोई अथेंटिक ना हो कोई बात बयान करने के बारे में। सो ये वो तमाम कैटेगरीज हैं जो हदीस को बयान करने वाले लोगों की हैं, और इन तमाम कैटेगरीज पर डिपेंड करते हुए जो हदीस का मजमूआ है उसको मेनली चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती हैं सही अहादीस, सही, उसके बाद आती हैं हसन, उसके बाद आती हैं ज़ईफ, और उसके बाद आती हैं मौज़ू। सही अरबी ग्रामर में सही का लफ्ज़ उस हदीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके जो पूरा जो एक चेन है नरेटर्स की, उसमें कहीं पर भी कोई गलती का इम्कान ना हो, कोई उसमें चेन में कोई ब्रेक ना हो और उनकी अथेंटिसिटी में कोई शुबा ना हो, ऐसी यह हदीस को सही कहते हैं। कुछ ऐसी हैं जो सही से लोअर लेवल पे हैं उनको हसन कहते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके जो नरेटर्स हैं उनके बारे में बहुत कोई पॉजिटिव राय नहीं है या उनमें बहुत ज़्यादा चेन जो है वो बीच में ब्रेक हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सिलसिला जा रहा है, तो उनको ज़ईफ़ कहते हैं। और कुछ ऐसी अहादीस भी हैं जिनके बारे में, कुछ ऐसी रवायात हैं जिनको मौजू रवायात कहा जाता है, जिन मौजू का मतलब होता है मन घड़त, फैब्रिकेटेड अहादीस, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात तो नहीं फरमाई लेकिन मशहूर कर दिया गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो ऐसी रवायात को मौजू या मनघड़त रवायात भी कहा जाता है। होपफुली यू गॉट इट।